Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. And in the previous lecture we have completed our important topic, that is structural isomerism. So bachcho, particularly in this video we are going to start our stereoisomerism. Humne structural to khatam kar diya dosto, to aaiye abhi hum start karte hain, and wo hai hamara stereoisomerism. तो दोस्तों स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बॉन्डिंग भी क्या होता है सेम होता है, बट खाली स्पैटियल अरेंजमेंट, जिसे स्पेशियल अरेंजमेंट भी बोला जाता है, जनरली स्पैटियल अरेंजमेंट क्या होता है डिफरेंट होता है, उसे हम स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं. इट मीन स्पेस में उनका अरेंजमेंट क्या होता है दोस्तों डिफरेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं. हमने आगे ही पढ़ा वो दो टाइप के होते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, एक होता है ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमरिज्म एंड दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. तो दोस्तों हम ये दोनों इसमें पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमर भी कहा जाता है, कुछ कुछ केसेस में इसको सिस ट्रांस आइसोमर कहा जाता है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बच्चों हमने पहले पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसका थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ और इसका भी थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ. तो पहले मैं पुराना कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास क्या था, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशन क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, कि भी आप रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता था तब जाके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलता था. ठीक है, तो इधर ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा. ठीक है, अगर आप देखो इधर तो इधर आपको ये वाला कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, ओके, समझ में आ गया बच्चों, आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं मिलेगा देखने को. जस्ट अ मिनट, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कंसेप्ट नहीं है इधर, इधर टोटली एक डिफरेंट कंसेप्ट है. इधर बात होती है मेटल एंड लिगेंड के बारे में, तो आप पुराना कंसेप्ट इसमें भूल जाइएगा, वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है. तो जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, तो जो लिगेंड्स होते हैं लिगेंड्स वो सेंट्रल मेटल के अराउंड डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बनते हैं, उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं. ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड एक मेटल है और आप मान लो कि ए टाइप के दो लिगेंड है एंड बी टाइप के दो लिगेंड है, तो ये मेटल के आजू बाजू ए ए इधर अटैच हुआ, ए इधर अटैच हुआ, बी इधर है, बी इधर है, ऐसा अरेंजमेंट हुआ. दूसरा अरेंजमेंट ऐसा हुआ, तो आपको भी पता चल गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं. तो ये लिगेंड के देखिएगा, तो ये लिगेंड में जो सेम लिगेंड है, जो ए टाइप के दो लिगेंड है, वो एक दूसरे के पास में है, साथ में है, तो उसे क्या कहा जाता है, सीस कहा जाता है. अगर ऑपोजिट साइड है, ए इधर है, ए इधर है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांस कहा जाता है. ये कंसेप्ट सेम है, बट इधर कंसेप्ट में हमें क्या देखना है, मैटर और लिगेंड. हमें इधर नहीं देखना है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वगैरह, कुछ नहीं देखना है, खाली इधर ये कंसेप्ट पढ़ना है कि भाई मेटल लिगेंड की मेटल के अराउंड डिफरेंट पोजिशन होती है, उससे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनता है. अगर लिगेंड जो है साथ साथ में है, पास पास में है, तो उसे सीस कहा जाता है. अगर वो दूर है एक दूसरे से, ऑपोजिट है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांस कहा जाता है. ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हुआ. जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पाया जाता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होगा, जब मेटल के साथ 4 मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच हो, होगा ना, 4 मोनोडेंटेट, या तो 2 बाइडेंटेट लिगेंड अटैच हो सकता है कि नहीं. ठीक है, जैसे बहुत सारे केसेस है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, एंड जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तभी भी इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं. मैं बहुत ही धीरे से समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझा रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप समझिएगा.
जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक पूरा नया कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, जिसमें लिगेंड मेटल एटम के आजू बाजू अलग अलग जगह पे अरेंजमेंट होता है। उसमें अगर दो साथ में है तो उसे सीस कहा जाता है, ऑपोजिट है तो ट्रांस कहा जाता है। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पाया जाता है। ओके, इट मींस मेटल एटम के साथ चार कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने हो तब, एंड छह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने हो तब पाया जाता है। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है दोस्तों, तब दो शेप पॉसिबल होते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। ये हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद, तो इसमें पता चलेगा। अभी आप याद रखिए, मैं जब वैलेंस बॉन्ड थियरी आपको समझाऊंगा ना, तब आपको शेप कैसे आया वो पता चल जाएगा। तो ये आपको दो शेप आपको मिल रहा है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो उसमें से टेट्राहेड्रल, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बता रहा हूं, विल नेवर शो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप याद रखना, कभी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो वो कभी भी जीआई नहीं बताएगा। टेट्राहेड्रल कभी भी जीआई नहीं बताता है। स्क्वायर प्लेनर, पहले तो टेट्राहेड्रल कैसे होता है ड्रॉ करके आपको बताऊं, तो आपको भी पता चले कि कैसा टेट्राहेड्रल होता है। चलिए तो मैं ट्राई करता हूं। बीच में मान लो मेरे पास मेटल इधर है, एक इधर है, दूसरा इधर, इधर और एक पी है, ऐसे अरेंजमेंट है। तो उसे जनरली क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल का। थोड़ा नीचे बताना था, मैंने इधर बता दिया, चलेगा ना? ओके, तो इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो टेट्राहेड्रल में पहली बात, अभी स्क्वायर प्लेनर किसे कहते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक ही प्लेन में स्क्वायर। तो मेटल है इधर, यहाँ 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 पे अरेंजमेंट हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया, ये टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, तो आप समझिएगा, टेट्राहेड्रल जो होता है वो जीआई नहीं शो करता है। इसका रीजन क्या, बहुत जगह पे खाली लिख लिया है कि टेट्राहेड्रल जो है वो जीआई शो नहीं करता, बट आपको तो पता होना चाहिए ना, आप तो होनहार स्टूडेंट हो, तो आपके तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं, उसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है? चलिए वीडियो पॉज करके अगर आपको पता हो तो कमेंट करिए। तो जनरली होता क्या है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, अभी फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सारी वैलेंसेस जनरली क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल मीन्स, कहने का मतलब ये है, जितना डिस्टेंस ये एम से लेके यहां तक है उतना ही डिस्टेंस यहां भी है, उतना ही डिस्टेंस यहां भी है, इतना ही डिस्टेंस यहां पे भी है, समझ रहे हो? फिर से बता रहा हूं, चलिए ए बी सी डी लिख के बताऊं तो आपको और ज्यादा पता चलेगा। तो एम से जितना डिस्टेंस ए है उतना ही डिस्टेंस बी है, उतना ही डिस्टेंस डी है, उतना ही डिस्टेंस सी है। तो एम से सेम डिस्टेंस पे ये है। तो अगर मैं ए की जगह पे डी लिख दूं या बी की जगह पे सी लिख दूं या बी की जगह पे ए लिख दूं, इंटरचेंज में कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो भी उनका डिस्टेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहता है। उनका डिस्टेंस क्या रहता है, आइडेंटिकल। उनके बीच का एंगल जो होता है वो भी क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। तो आपको पता है टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, तो ये एंगल भी, कोई भी एंगल ले लो, 109 डिग्री 28 मिनट होगा, वो आइडेंटिकल होगा। इट मीन्स आप इसकी पोजीशन कहीं पे भी बदलो, कोई आपको दूसरी कुछ अलग सी बात आपको नहीं दिखने वाली। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। तो कि सर स्क्वायर प्लेनर में क्यों होता है, चलो तो मैं बताता हूं। इधर ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, इधर ए और सी का डिस्टेंस देखो और ए और डी का डिस्टेंस देखो, अलग है कि नहीं? ए और बी का और ए और सी का सेम है, बट ए और डी का डिस्टेंस क्या है, अलग अलग। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मुझे अलग कंपाउंड्स मिलेंगे। मीन्स अलग अलग फॉर्म मिल सकते हैं स्क्वायर प्लेनर के अंदर, जियोमेट्रिकल में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आप देख सकते हो डिस्टेंस आइडेंटिकल है, एंगल आइडेंटिकल है, इसकी वजह से। ठीक है, इसमें डिस्टेंस आइडेंटिकल नहीं है इसलिए स्क्वायर प्लेनर में मिलता है।
ओके, तो ये पता चल गया। चलिए अभी पहले स्क्वायर प्लेनर वाले स्ट्रक्चर देखते। तो स्क्वायर प्लेनर, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात हम कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता है। तो पहले तो ये बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तब दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। उसमें से टेट्राहेड्रल भाई साहब तो नहीं दिखाते ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्यों? उसका रीजन हमने देखा। तो स्क्वायर प्लेनर में कौन से टाइप पॉसिबल होंगे? तो पहले कितने कितने टाइप पॉसिबल है देखिए। तो एम के साथ ए टाइप के 4 लिगेंड अटैच होंगे, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। फिर दूसरा कौन सा पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होगा? जब ए मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड की मैं बात कर रहा हूं, ओके, जिसमें जिसमें ए के साथ 4 लिगेंड, इट मीन्स ए जैसे 4 लिगेंड एम के साथ अटैच है। फिर ए जैसे 3 और एक बी नया लिगेंड आया, दूसरा लिगेंड दूसरी टाइप का। फिर कौन सा पॉसिबल हो सकता है कि दो टाइप के ए और दो टाइप के बी, ये भी पॉसिबल हो सकता है। फिर के सर ये भी पॉसिबल हो सकता है एम ए बी 2, एम ए बी 3, यस 4, ये भी पॉसिबल हो सकता है। फिर सर ये भी तो पॉसिबल होता है ए बी सी डी, एम ए बी सी डी, ये भी तो पॉसिबल होता है। हाँ बेटा होता है, मेटल है उसके साथ 4 दूसरे मोनोडेंटेट लिगेंड है, जिसमें ए बी सी एंड डी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। सर बाइडेंटेट लिगेंड के साथ पॉसिबल हो सकता है? बाइडेंटेट लिगेंड के साथ यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता दोस्त? तो एम देखना बाइडेंटेट लिगेंड है तो उसे क्या बोला जाता है? तो ए बी बोला जा सकता है, ए ए बाइडेंटेट को कैसे लिखे? तो ए ए ट्वाइस, ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया 2, ए ए बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो इतने सारे में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, इतने सारे में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, एंड ये सब में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अभी चलिए पहले एम ए 4 का बनाते हैं, बहुत धीरे से सिखा रहा हूं, ओके, जुड़े रहिएगा, बहुत इजी है। ए ए ए ए, तो अभी इसमें कहाँ सीस और ट्रांस करेंगे? देखिए आप सारे तो सेम ही है यार, किसी का भी डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सब आइडेंटिकली है। तो एम ए 4 जो टाइप है वो जी आई नहीं शो करेगा, एम ए 4 जो है वो जी आई शो नहीं करेगा। अभी एम ए 3 बी देख लेते हैं, एम ए ए बी, तो ये भी जी आई नहीं शो करेगा। उसमें आपको देखो 3 ए टाइप के है एंड एक बी टाइप का है, या तो आप एम ए बी 3 ले लो, तो ये 3 तो रेस में से निकल गए। अभी बचा कौन? एम ए 2 बी 2, एम ए बी सी डी, ठीक है, समझिएगा क्या कौन कौन बचा। समझ में आया ना? इतना इतना समझ में आया ना? ओके चलिए, तो अभी मैं आपको बता दूं एम ए 2 बी 2 टाइप, यस एम ए 2 बी 2, और स्क्वायर प्लेनर के ही बात कर रहे हैं हम। तो ऐसा स्ट्रक्चर चलो मैंने बना दिया, इधर ए रखा, इधर ए, इधर बी, इधर बी। तो इधर ए ए कैसे है? पास पास में आए, तो ये क्या बना? सीस बना। अभी इसमें पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? ए ए एंड बी बी, तो ये क्या बन गया? ट्रांस बन गया। तो भाई एम ए 2 बी 2 के कितने जी आई मिलते हैं? 2, एक मिलेगा सीस और एक मिलेगा ट्रांस। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लिया, जैसे पी टी एन एच 3 ट्वाइस सी एल 2। आपको पूछेंगे पी टी एन एच 3 ट्वाइस सी एल 2 कितने जी आई शो करेगा, तो आपको देखना है कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर में दो पॉसिबिलिटी होगी, एन एच 3 सी एल सी एल, तो ये बन गया सीस, और दब दो ओपोजिट साइड होंगे तब क्या बनेगा, समझिएगा हाँ बहुत ध्यान से, NH3ClCl, ये बनेगा ट्रांस। कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा, सर अगर हम NH3 इधर लिखे ClCl, यस बेटा इसको भी आप सीस कह सकते हो, NH3 NH3 पास पास में, इसे भी सीस कहा जाता है, बट ट्रांस ऑपोजिट होना चाहिए उसे ही ट्रांस कहते हैं। तो हमने ये देखा Ma2B2 शो करता है, 2 GI शो करता है Ma2B2, सीस एंड ट्रांस शो करता है, ठीक है। फिर एक ये भी तो पॉसिबल है एम ए टू बी सी,
एम ए टू बी सी, ये भी आगे में लिखना भूल गया, ये भी तो पॉसिबल है कि नहीं। ओके कि भाई ए टाइप के दो एंड बी एंड सी, यस, तो देखो क्या होगा। तो इसमें आप कैसे, चलिए पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं फिर आपको दिखाऊं। इधर ए, इधर ए, इधर बी, इधर सी, इधर ए, इधर ए, इधर बी, इधर सी। तो इसमें सेम कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ए को देखिए, ए ए एक दूसरे के पास पास में है तो सीस है, ए ए एक दूसरे से दूर है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं, सिंपल सी बात। दूसरे बी सी हमें देखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को। आइए इसमें, इसमें भी थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है ये, इसके एमसीक्यू नीट में आने वाले हैं एंड जेडब्ल्यू में भी पूछे हैं, बोर्ड में भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। Na3 twice ClBr, तो ये कौन सा टाइप हो गया, Ma2bC टाइप हो गया। तो अभी ये क्या क्या दो शो करेगा सी, एक मीन्स ये दो जियो जी आई शो करेगा, एक सीस और दूसरा ट्रांस। सीस कौन सा होगा, NH3 NH3 पास पास, ClBr इधर, इधर NH3 NH3 ClBr। तो ये हो गया आपका सीस भाई साहब और ये हो गया आपका ट्रांस, है ना आसान। ओके चलिए उसके बाद कौन सा टाइप आएगा, तो उसके बाद हम देखे एम ए बी सी डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन एम। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, अगर अच्छा सा पेपर है तो आपके स्कूल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर टीचर को बहुत अच्छा पता है इसके बारे में। तो एम ए बी सी डी है, में चारों लिगेंड अलग, तो क्या वो जी आई शो करेगा, एंड जी आई शो करेगा तो कितने सीज आइसोमर मिलेंगे एंड कितने ट्रांस आइसोमर मिलेंगे। मैंने पहले ही बताया आगे के साथ इसको जी आई को मैच मत करना, ठीक है, तो आइए मैं दिखाता हूं। तो क्या ये जी आई शो करेगा एम ए बी सी डी, एम ए बी सी डी, ओके, तो यस ये तीन जी आई शो करता है, याद रखिएगा, इसे मैं आपको समझा दूंगा, एक को ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, तो आपको कुछ टेंशन नहीं होगा। तो चलिए मैंने लिख लिया इधर एम, उसमें आपको क्या करना है, ए को मैं इधर लिख रहा हूं, ए तीनों में ए को मैं इधर लिख रहा हूं, तीनों में ए को मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। अभी अभी मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, सबको अभी बारी बारी लिखता जा रहा हूं, इधर बी, इधर सी, इधर डी, ठीक है, फिर क्या कर रहा हूं, एक जगह पे इधर बी लिखा तो अभी इधर सी लिखो, इधर डी लिख लो। ओके अभी आपके सर इसमें तीन ही क्यों मिल रहे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, यस, कितने जी आई मिलेंगे, तीन जी आई मिलेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में, क्यों तीन ही मिले सर, चार नहीं मिल सकते, आप देख लो अपने हिसाब से बना के लिख लो, ये तीन पोजीशन ही मिलेगी आपको, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, इसकी वजह से मैंने बोला, आप देख लो अपने हिसाब से, अगर आप कुछ नया बना रहे हो, बी को स्टेडी रख के भी बना रहे हो, तो इसमें से ही एक स्ट्रक्चर बनेगा, इट मीन मैक्सिमम तीन ही बन सकते हैं, अगर आपने कोई नया बनाया वो इसमें से आ गया होगा, इसके जैसा ही होगा, इसके लिए इसके तीन जी आई मिलते हैं। अभी इसमें सीस ट्रांस कैसे डिसाइड करने का सर, इसमें सीस ट्रांस कैसे डिसाइड करने का एम ए बी सी डी में, तो आप ए को तो आपने स्टैंडर्ड ले रखा है, अभी ए के साथ किसी और को स्टैंडर्ड ले लो, अभी ए के साथ मान लो मैं ले रहा हूँ सी को स्टैंडर्ड, ए और सी को ले रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो, ए के साथ डी भी ले सकते हो, तो आपको ए और सी के रिस्पेक्ट में देखना है, ए और सी इधर क्या है ऑपोजिट, तो ये क्या बन गया ट्रांस, ये क्या बन गया ट्रांस बन गया, इधर ए और सी क्या है एक दूसरे के पास में है तो ये सीस बन गया, इधर ए और सी एक दूसरे के पास में है तो ये सीस बन गया, इट मीन्स कितने सीस मिलते हैं दो और कितने ट्रांस मिलते हैं एक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, एम ए बी सी डी जी आई शो करता है, यस, कितने जी आई शो करता है, तीन, उसमें से सीस कितने होते हैं दो होते हैं, ट्रांस कितने होते हैं एक होता है, ट्रांस कितना होता है एक होता है, ठीक है। तो ए बी सी डी की जगह पे कोई भी चार लिगेंड आपको देंगे, आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क करके लिख लेना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ओके, चलिए तो अभी एक और बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड की। मान लो मेरे पास मेटल है, ओके, मेरे पास मेटल है एंड अगर अटैच हुआ है इथिलीन डायमाइन, तो ई एन तो बाइडेंटेट लिगेंड ऐसे अरेंज होगा, दूसरा ई एन ऐसे अरेंज होगा। तो ये तो भाई दोनों कैसे हुए, ऐसे हो गए, ठीक है, सामने सामने। अभी दूसरा क्या, इधर अपोजिट तो पॉसिबल है नहीं, तो भाई ये तो भाई जी आई शो नहीं करेगा। तो ये सिमेट्रिकल होंगे ये दोनों के एंड, आपको पता है सी एच टू सी एच टू सी एच टू एन एच टू एन एच टू, तो ये दोनों नाइट्रोजन ही शेयर कर रहा है, इसे सिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कभी नहीं होगा, बट अगर अनसिमेट्रिकल ले ले, जैसे पीटी है, इधर हम बात करें डीएमजी की, चलो ग्लाइसिनेटो की बात कर लो, ग्लाइसिनेटो ले लेते हैं, चलो NH2, इधर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, तो ये ओ और एन डोनेट कर रहा है, क्लियर, ओके, NH2 ओ माइनस, समझ लेना। अभी इधर क्या हो रहा है, इधर भी NH2, क्लियर, CH2 CO ओ माइनस। तो आप देख सकते हो ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, उसमें सी डबल ओ माइनस एक दूसरे के क्या आए, पास आए, तो उसे क्या कहा जाता है, सीस कहा जाता है। बट अगर ऑपोजिट हो गया, ये ऊपर चला गया, ये तो सेम ही रहा, जैसे इधर एन और इधर ओ बता रहा हूं, इधर ऊपर ओ चला गया और नीचे एन रहा, समझ रहे हो बात को, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में पॉसिबल है, तो एम ए बी ट्वाइस टाइप होगा उसमें पॉसिबल है, बट एम ए ए ट्वाइस में पॉसिबल नहीं है, नहीं है, ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो बाइडेंटेट लिगेंड अगर अनसिमेट्रिकल है तो सीस ट्रांसजियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, अदरवाइज वो शो करने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दी दी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। आइए फिर से बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड, सॉरी, चलिए तो मैंने गलती कर दी, 4 होंगे, तो एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। टेट्राहेड्रल विल नेवर शो जी आई, जी आई कभी शो नहीं करेगा। स्क्वायर प्लेनर, यस, जी आई शो करेगा। कौन कौन शो करेगा, एम ए फोर शो करेगा, नहीं करेगा, एम ए थ्री बी शो करेगा, नहीं करेगा, एम ए टू बी टू करेगा, यस करेगा, फिर दूसरा कौन करेगा, तो एम ए टू बी सी करेगा, यस करेगा, एम ए बी सी डी करेगा, यस करेगा, दो सीज दिखाएगा, एक ट्रांस दिखाएगा, इसको पढ़ा, टोटल 3 जी आई देगा, ओके। फिर एम ए ए ट्वाइस सिमेट्रिकल नहीं बताएगा, एम ए बी ट्वाइस अनसिमेट्रिकल वो बताएगा, इट मीन्स ये आपको याद रखना है, ओके तो ये आपको समझना है, मैंने आपको समझा दिया तो आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है बच्चों, ओके। ऐसे ही अभी हम बात करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो एक ही शेप होता है जो होता है ऑक्टाहेड्रल, जो होता है ऑक्टाहेड्रल, उसमें कोई दूसरा शेप नहीं होता है, एंड ऑक्टाहेड्रल भी जी आई शो करता है। अभी ऑक्टाहेड्रल कितने कितने पॉसिबल, एम ए के साथ 6 अटैच हो गए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, मोनोडेंटेड लिगेंड है ए, ठीक है, फिर एम ए 5 बी भी हो सकता है, फिर एम ए 4 बी 2 भी हो सकता है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, फिर एम ए 4 बी सी भी हो सकता है, यस और नो, फिर एम ए 3 बी 3 भी हो सकता है, डन होगा कि नहीं होगा। फिर चलो दो बायडेंटेट लिगेंड ले ले और दो मोनोडेंटेट लिगेंड ले ले, तो एम ए ए ट्वाइस बी टू बायडेंटेट दो ले लिए, फिर उसमें ही चलिए दो बायडेंटेट लिगेंड ले लिए एंड दूसरे दो मोनोडेंटेट अलग अलग ले लिए, तो ये भी तो शो करेगा, ठीक है, फिर एम ए बी 3, ये भी तो पहले तो अभी क्या बता रहा है, कौनते कितने किसने में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ये बता रहा है, ठीक है, फिर मेटल ए बी सी डी ई एफ,
तीन और तीन छह, बराबर। तो ये सारे के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? छह है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? छह है। ओके, इसके अंदर अभी कोऑर्डिनेशन नंबर छह, ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है आइए देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे होता है मेटल, तो एक तो ये ऐसा होता है स्क्वायर प्लेनर जैसा है, एक ऊपर एक नीचे ऐसा शेप होता है। अभी ए सिक्स, एक दो तीन चार पांच छह, तो सारे सेम है यार, तो एम ए सिक्स तो कभी जी आई शो नहीं करेगा, ठीक है। एम ए फाइव बी, तो इसमें से एक को हटा के बी लगा दो, तो ये भी सारे नहीं, एम ए फाइव बी भी नहीं शो करेगा, कुछ साथ में ऑपोजिट नहीं डिसाइड कर सकते। एम ए फोर बी टू देखते हैं, चलिए अभी हम देखते हैं एम ए फोर बी टू, तो उसमें क्या करेंगे, एम इधर भी एम, चलिए तो मैंने ये पहले स्ट्रक्चर बना दिया। अभी ए ए ए ए बी बी ए ए ए ए बी बी, ऐसे स्ट्रक्चर मैंने रखा। तो इसमें आप देखिए सारे ए एक दूसरे के पास में है, यस और नो। अब देखिए इसमें सारे ए, इसमें सारे ए एक दूसरे के पास में, ये भी ले लो, ये सारे ए एक दूसरे के पास में, इसमें बी भी एक दूसरे के पास में है, बी 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 के साथ बी ऊपर होता है बट पास में है इसके, बट ये इसमें देखो ये भी एक दूसरे से अलग अलग है, पास में है तो सीस, ऑपोजिट है तो ट्रांस। फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ मेरे भाइयों, अभी मैं वो बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड खाली ऐसे लिख रहा हूँ, आपको बनाना है। ओके, तो आप देखिए ए ए ए ए बी बी, तो ये चारों ए एक साथ में, ये दो बी एक साथ में, तो सीस आया, समझ रहे हो बात को? ओके, तो ए ए ए ए तो बी और बी, बी बी दूर हो गए, ऑपोजिट आ गए, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। आप खाली बी को कंसीडर करके देखो, बी साथ में है तो सीस, बी ऑपोजिट है, ट्रांस, कोई भी बना लो। तो यस, एम ए फोर बी टू शो करेगा, तो उसके दो जी आई मिलेंगे, एक सीज वाला मिलेगा, एक ट्रांस वाला मिलेगा। अगर आपको ऐसे पूछ ले एफ ई एन एच थ्री फोर सी एल टू कितने जी आई शो करेगा, तो आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, कौन से टाइप है? एम ए फोर बी टू टाइप है, यस, तो ये सीज वाला भी पॉसिबल है, ट्रांस वाला भी पॉसिबल है, तो दो जी आई शो करेगा। ये कितने जी आई शो करेगा? दो जी आई शो करेगा, ठीक है, इतना सिंपल है, आपको पता चल गया दो जी आई शो करेगा। ओके, तो एम ए फोर बी टू हो गया। अभी एम ए फोर बी सी की बात करें, एम ए फोर बी सी, तो उसमें भी तो वो ही होगा, होगा कि नहीं, ए ए ए ए बी एंड सी, तो ये चारों ए साथ में है, इधर देखने जाओ तो बी सी ए ए ए ए, तो बीच में गैप आ जाता है, चारों ए साथ में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा, ये हो जाएगा सीस, तो यस, ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो वो भी दो बताएगा, एक सीस और एक ट्रांस बताएगा। तो चलिए, तो इसमें तो हमने देख लिया इसके ऊपर क्रॉस, और चलो ये दोनों नहीं दिखाएंगे, ये दोनों दिखाएंगे, ये दोनों सीज एंड ट्रांस दिखा दें। अभी एम ए थ्री बी थ्री टाइप है, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, एम ए थ्री बी थ्री टाइप तीन तीन है, तो उसमें सीस ट्रांस नहीं होता है, उसमें एक नया आइसोमर आता है, किसमें? खाली वो एम ए थ्री बी थ्री ही शो करता है, खाली एम ए थ्री बी थ्री ही शो करता है, आपको एरो करना है, मैं नहीं बता रहा हूं एरो। तो आप देखिए ए ए ए बी 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 ए ए ए बी बी बी, इसमें भी आप देख सकते हो तीन ए साथ में है, तीन बी अलग अलग है, साथ में है, ये तीन बी इधर, ए साथ में नहीं है, बी भी साथ में नहीं है, तो जो ए साथ में है उसे कहते हैं फेसियल, उसे क्या कहा जाता है? फेसियल आइसोमर्स, जिसे एफ ए सी आइसोमर कहा जाता है, एंड जो दूर दूर है उसे मेरीडियोनल, मेरीडियोनल। तो क्यों मेरीडियोनल और फेसियल कहा जाता है? तो आप देखिए, तो ये एक ऐसा होता है, एक ऊपर होता है, इसके इसके परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर आप देखिए तो एक ऐसा एक पर्टिकुलर फेस बनता है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊं, तो
ऐसे ऊपर की ओर स्लांट की ओर ऐसे एक फेस बनता है, यस और नो? ए और ए के बीच में एक फेस बनता है, यस और नो? तो इसीलिए फेसियल कहा जाता है। एंड ये एक आप देखो ऑक्टाइड्रल के आजू बाजू पूरा एक मेरिडियन बनता है, बन रहा है ना, बी बी एक दूसरा मेरिडियन ऐसे, समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मेरिडियन। ये खाली कौन दिखाता है, एम ए थ्री बी थ्री ही दिखाता है दोस्तों, एम ए थ्री बी थ्री। तो आपको अगर पूछा जाए, एग्जाम्पल इसके ही देंगे, जैसे CONO2 थ्राइस एंड NH3 थ्राइस, ये कौन से GI शो करेंगे, तो ये आपको फेसियल एंड मेरिडियोनल देंगे, फेस और मर आइसोमर देंगे आपको। ओके, ये बट ए थ्री बी थ्री होना चाहिए, ए थ्री बी थ्री होना चाहिए, ठीक है? ओके, ये क्या देंगे, फेशियल मेरिडियनल। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ओके चलिए, तो ये हो गया। तो अभी ये तो अभी चलो बाइडेंटेट लिगेंड की बारी निकालते हैं। तो बाइडेंटेट लिगेंड में क्या करेंगे, तो बाइडेंटेट लिगेंड है एम, चलो मान लो ना, इधर ई एन है, इधर भी ई एन है, एंड इधर आपका बी है, कोई भी बी, चलो इधर ए है, इधर ए है, इधर बी, उधर बी। तो आप देख सकते हो, इधर पूरा देखिए इसको, ध्यान से समझिए, ये ए ए ऑपोजिट साइड है, तो ये हो गया ट्रांस, ये बी 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 ऑपोजिट साइड है, तो ये हो गया ट्रांस। तो ये इसमें सीस क्या आएगा सर, तो इसमें ऐसे आएगा ना, ये इधर ए, ये इधर ए, ये इधर बी, इधर बी। तो आप देखो, ये बी बी पास में आए, ये ए ए भी पास में आए, तो ये क्या हो गया, सीस। तो यस, ये भी शो करेगा। इट मीन्स अगर मैं आपको दू CUCL2, EN2, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना, तो यस ये भी GI शो करेगा, एक सीस करेगा, एक ट्रांस करेगा, ये भी GI शो करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर मैं चेंज कर दूं बी और सी को, यस, तो खाली इसके हिसाब से देखेंगे, ऑपोजिट साइड सेम साइड, तो फिर आपको ये भी पता चल गया, एम ए ए ट्वाइस बी सी भी शो करेगा GI, उसके भी दो मिलेंगे सीज एंड ट्रांस, उसके भी दो मिलेंगे सीज एंड ट्रांस, ठीक है? तो चलिए, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, एम ए बी थ्राइस। एम ए बी थ्राइस में क्या होगा दोस्तों, चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो एम ए बी थ्राइस, तो तीन, आप समझिए, तीन बाइडेंटेट लिगेंड है आपके पास, तीन बाइडेंटेट लिगेंड। उसमें भी याद रखना अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे मैंने बताया आपको, अनसिमेट्रिकल होगा तो होगा, बाकी नहीं होगा। तो कैसे होगा, देखिए, तो एक इधर से ए, एक इधर से ए, और एक ऊपर से, हाँ ऐसे ए। बट अगर उनका देखे, जैसे ग्लाइसिन में देखा था ना, जैसे एक एन और ओ माइनस, तो एन ओ माइनस, एन ओ माइनस, तो हम देख सकते हैं ओ माइनस साथ में आ रहा है कि ओ माइनस दूर आ रहा है उसके, तो ये शो करेगा, एम ए बी थ्री शो करेगा, ए ए थ्री नहीं शो करेगा, अनसिमेट्रिकल जो है वो शो करेगा सीज एंड ट्रांस। इतना याद रखना, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए ड्रॉ नहीं किया मैंने, ठीक है? अभी हम बात करते हैं एम ए बी सी डी ई एफ की। तो अभी आप सोचिए दोस्तों, एम ए बी सी डी ई एफ की जैसे मैं रखता जाऊं वैसे इधर देखना, ठीक है? ए को फिक्स रख के सब पोजीशन अलग अलग करता जाऊं, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलने वाले। तो ये भी GI शो करता है, ये भी GI शो करता है, इसके 15 GI मिलते हैं। कितने मिलते हैं याद रखना भाई, कितने मिलते हैं, 15 GI मिलते हैं इसके, कितने, 15 GI। इसके आपको ये नहीं पूछेंगे कितने आपको सीज मिलेंगे, ट्रांस मिलेंगे, फेशियल, मेरिडियल, नहीं, खाली आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ लेंगे, एम ए बी सी डी ई एफ के 15 मिलेंगे, अलग अलग पोजिशन आप बनाते जाना, आपको 15 मिलेंगे, ठीक है दोस्तों? ओके, तो ये खत्म हुआ हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। फिर से समझा रहा हूँ, फिर से चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल होता है, तो उसमें से एम ए 6 नहीं दिखाता, एम ए 5 भी नहीं दिखाता, एम ए 4 बी 2 यह शो करता है, बट क्या, सिस ट्रांस, एम ए 4 बी सी, यस सिस ट्रांस, फिर एम ए 3 बी 3 फेसियल एंड मेरिडियोनल, ठीक है? फेसियल एंड मेरिडियोनल शो करेगा, फिर एम ए ए ट्वाइस बी टू, तो बाइडेंटेट, यस, तो ये भी आपको सीस ट्रांस शो करेगा,
फिर एम ए ए ट्वाइस बी सी, ये भी आपको सी स्ट्रैंड शो करेगा। एम ए बी थ्राइस अनसिमेट्रिकल होगा ग्लाइसिन जैसा तो शो करेगा, बाकी नहीं शो करेगा। ओके, एंड एम ए बी सी डी ई एफ जो है वो 15 शो करेगा जी आई एस। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा स्ट्रक्चर, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो क्या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है ये मैंने सिखा दिया आपको। तो आइए अभी देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। पहले तो मैं ये आपको बता दूं, ठीक है, कि कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऐसे ऐसे पूछते हैं कि भाई ये बताएगा या नहीं बताएगा। ठीक है, तो चलिए, तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि पीटी NH3 थ्राइस Cl+1 क्या ये GI शो करेगा कि नहीं। तो पहले आप देखिए ये PT है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करिए। तो 3 NH3 और 1 Cl, चारों चार मोनोडेंटेट है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया। तो 4 में क्या बना, MA3B, तो MA3B GI शो नहीं करता है, तो ये नहीं दिखाएगा। क्लियर, समझ में आया आपको? ओके, अगर मैं ऐसा पूछ रहा हूं आपको कि PT NH3 ट्वाइस Cl NO2 ये GI शो करेगा, अन शो करेगा तो कितने, तो आप देखिए इधर क्या बन रहा है। तो 2 और 2 4 है, 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है। टाइप कौन सा हुआ, MA2BC, तो A2BC यस, तो ये GI शो करेगा, एक सीस शो करेगा, एक ट्रांस शो करेगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोले तो स्क्वायर प्लेनर आएगा, तो NH3 NH3 एक दूसरे के पास पास, ठीक है, इधर Cl इधर NO2, ऑपोजिट साइड रख दो, ठीक है, एम एम को इधर NH3 इधर NH3, तो इधर Cl एंड इधर NO2, तो ये ट्रांस हो गया, तो ये शो करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप समझिएगा ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। ओके, जैसे चलिए, तो PT NH3 4 Cl Br 2+, ये क्या GI शो करेगा, तो ये क्या कौन सा टाइप हो गया, MA4BC यस, तो ये GI शो करेगा। कौन सा सीज एंड ट्रांस शो करेगा, कौन सा शो करेगा, सीज एंड ट्रांस ये GI शो करेगा। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, आपको कुछ भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ओके, समझ में आ गया। चलिए मैं अभी दूसरे कंपाउंड पूछ रहा हूं आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं आपको। क्लियर, जैसे PT Cl PY, PT है Cl है PY है, फिर NH3 NBR, इसके क्या ये GI शो करेगा, इसके सीस कितने होंगे, ट्रांस कितने होंगे। अगर आपने मेरा वीडियो बराबर ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर दे पाओगे, ये कौन से टाइप हुआ, MA BC D, ठीक है, ओके, तो ये क्या हुआ आपका, MABCD हुआ। ओके, तो चलिए बताइए मुझे ये शो करेगा कि नहीं करेगा। यस, तो ये 3 GI शो करेगा, 2 C's होंगे और एक ट्रांस होगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे ध्यान रखने होंगे। चलिए दूसरा देखता हूं, CrEn NH3 Cl थ्राइस, तो ये क्या बना, CrEn NH3 Cl थ्राइस, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, टाइप कौन सा बना, MAA बराबर इधर B3C, AA B3C। क्लियर, तो मुझे बताइए ये कितने शो करेगा भाई साहब, ये कितने शो करेगा। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो B3 है तो हम तो B को ही देखने वाले हैं, A इधर लगा दिया मैंने, ओके, जैसे B B और B और ये C, तो ये B B पास में आया तो ये क्या बनेगा, C बनेगा, ओके, या तो इसे फेसियल भी कह सकते हैं, फेसियल 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 बनेगा, ओके। एंड अगर ये बी बी और बी इधर लिख देता, सी इधर लिख देता, तो वो मेरीडियोनल मिलता, तो इसके फेसियल एंड मेरीडियोनल 2 मिलेंगे, यस, तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमोरिज्म 2 बनेंगे। ये MA3 B3 टाइप का हुआ ना, उसमें एक उन्होंने क्या B3
रखा, उसमें से इसमें एक क्या ले लिया बाइडेंटेट और एक क्या ले लिया मोनोडेंटेट, तो इसमें बी वाले के ऊपर से तो कर सकते हैं फेशियल मेरिडियनल, ठीक है। तो ऐसे आपको पता करने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे बच्चों। आशा रख रहा हूं आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करिए, ओके पूछिए, बाकी सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। ओके बच्चों, क्लियर अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करना ना भूले, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एंड ज्योमेट्रिकल के बाद मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी सिखाऊंगा, ऑप्टिकल का भी एक वीडियो मैं जरूर से बना के आपको भेजूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।